अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं तो मैं एक दफ़ा फिर यूनाइटेड स्टेट से हाजिर हूँ। दो दिन रह गए मुझे और मुझसे दो तीन चंद बड़ी गलतियाँ हो गई हैं। खैर, हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ जो है ना थोड़ी सही आ रही हो, क्योंकि मैंने माइक लिया है। ये मेरे यहाँ पे माइक लगा हुआ है, ये देखें। क्योंकि मेरी शुरू की जो वीडियो थी ना, तो उस वो तो बड़ी ही ख़राब आवाज़ के साथ बनी थी। तो इस दफ़ा ये मैंने माइक लिया, इसकी इंटरनल रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि अगर कनेक्शन टूट भी जाता है, कुछ मसला वसला भी हो जाता है, तो उसका वो भी एक रिकॉर्डिंग होती रहती है। आज बारिश भी हो रही है यार, ये ना हो कि मेरे जो है ना, तो ये $100 का मैंने जो है ना ये माइक लिया है और बारिश हो रही है, ये ना हो कि बारिश में ये ख़राब ही हो जाए। तो उम्मीद है आपको मैं सही दिख रहा हूँगा, क्योंकि अंधेरा हो गया है, बारिश हो रही है और यहाँ तो ये बारिश चलती रहती है। खैर, तो गलतियाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि सबसे पहले गलती तो नहीं थी, वो तो किस्मत ही ख़राब थी। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, पहला हफ़्ता तो मेरी तबीयत ख़राब रही, मैं कहीं निकला ही नहीं। दूसरे हफ्ते में मैं जो था, चले मैं अब आपको आगे का मंजर दिखाता हूँ। दूसरे हफ्ते में मैं जो था ना, उसमें पहला हफ्ता तो मैं बीमारी रहा, दूसरे हफ्ते में मैं थोड़ा सा सही हुआ, बाहर निकलने लगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगा और चलता रहा। तीसरे हफ्ते में मुझे एक दोस्त की वहाँ कॉल आ गई कि भाई मैं जो हूँ यहाँ मियामी में हूँ, तो आ जाओ यहाँ पे करेंगे। मैं चला गया मियामी सीधा। अब वो मियामी तो था, लेकिन उसमें कुछ करने को था ही नहीं। वो इतना दूर सबर्बन वो मोटेल था उसका, उसने वहाँ पे वो मोटेल ख़रीदा, उस पर वो अपना वो काम भी कर रहा है। तो उस मोटेल में जो था ना, वो मैं रह रहा था, अब वहाँ करने को कुछ नहीं था। मैंने एक दो वीडियो बनाई, पूरा हफ्ता मैं वहाँ पे लेटा रहा, क्योंकि वो टिकट थी मेरी प्लेन की, तो एक हफ्ते की थी, तो वो मैंने जो था ना पूरा अपना वेस्ट कर दिया टाइम। सही तरीके से, बहुत ही सही तरीके से वेस्ट हुआ टाइम मेरा वहाँ पे। और बस अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे पास 3 से 4 रोज़ हैं। कल मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था जो मेरे साथ वहाँ पे जॉब करता था, और अब जो है वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि था वो यूनाइटेड स्टेट्स का ही, लेकिन वो अर्जेंटीना में मेरे साथ जॉब करता था। तो हम दोनों 2-3 कंपनी में एक साथ काम करते हैं। तो उसने मुझे बुलाया कि चलो ड्रिंक्स को, तो वहाँ मैं गया। और आज का दिन पूरी बारिश हो रही है, तो आज का दिन मैंने सोचा है कि मैं वहाँ जाऊँ, फिनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जाऊँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं। और उसके बाद वहाँ एक पटेल ब्रदर्स हैं क्वींस में, जैक्सन हाइट की तरफ, जो कि मिनी इंडिया मिनी पाकिस्तान या कुछ व्हाटएवर कहलाता है, तो वहाँ जाके ना मैं जो हूँ कुछ मसाले वसाले खरीदूँगी। अर्जेंटीना में तो नहीं मिलते, तो हमारे जो एक दो पाकिस्तानी अर्जेंटीना से, उन्होंने मुझे कहा मसाले अगर हो सके तो मैं अपने लिए भी ले लूँगा, उनके लिए भी ले लूँगा। शान के जो मसाले होते हैं, बिरयानी के चाट मसाले या कुछ इस तरह, तो वो ले लूँगा। अगर उन्होंने ले लिए तो सही है, नहीं लिए तो मैं अपने ही यूज़ में कर लूँगा। क्योंकि मुझे दो ही मसाले चाहिए, एक तो बिरयानी मसाला और एक आपका कढ़ाई मसाला हो गया, ये कोरमा मसाला हो गया और चाट मसाला हो गया। बाकी तो चीज़ें तो इतनी यूज़ नहीं करते, मतलब होते बहुत हैं, हलीम मसाला, ये मसाला, फलाना मसाला। खैर, तो मैं आपको वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी दिखाता हूँ, चार्जिंग बुल भी दिखाता हूँ, और हो सकता है मैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी दोबारा जाऊँ थोड़ा करीब से, अगर मुझे जो है ना फेरी मिल गई। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब मैं ये बस पकड़ूँगा और फिर जाऊँगा न्यूयॉर्क सीधा।
चलें जी, मैं वहीं पे स्टेशन पे आ गया हूँ, यहाँ से बस पकड़ के न्यूयॉर्क सिटी न्यू जर्सी से मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। यार उम्मीद है कि आवाज़ जो है ना वो सही आपको आ रही हो, अगर आवाज़ सही रिकॉर्ड नहीं हुई तो ये $100 जो है ना समझे मेरे डूब गए, क्योंकि वो मीडियम मोड लगा हुआ था पहले, लेकिन वो जो था ना अगर मुझे फ्रंट से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती तो कैमरा बंद करके फ्रंट ऑन करना पड़ता, अगर बैक से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती तो बंद करके वो दिखाना पड़ता। खैर तो ये है जी पोर्ट अथॉरिटी न्यूयॉर्क, यहाँ से पूरे जो है ना छोटे छोटे शहरों के लिए दूसरी स्टेट्स के लिए बसेस यहाँ से निकलती हैं जाती हैं, किराया हर किसी का अलग अलग है, जो करीब है उसका ज़ाहिर कम किराया है, जो दूर है अलग है। 6 ब्लॉक यहाँ से 6 ब्लॉक्स आप जाएंगे तो पेन स्टेशन है मशहूर, उस दिन मैंने बाहर से देखा था, मैं अंदर नहीं गया था, लेकिन होपफुली जिस दिन मैं जाऊँगा तो वो वहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा तो वो लास्ट चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी मैं सबवे पकड़ूंगा और सीधा डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, चार्जिंग बुल जो है वो देखने, उसके बाद मैं वहाँ से हो सकता है फेरी पकड़ के दो चीज़ें, या तो स्टेटन आइलैंड में जाऊं या फिर स्टेचू ऑफ लिबर्टी जाऊं, दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है। तो ज़ाहिर टाइम मिस हो गया मेरे पास, पूरा एक हफ़्ता जो होता ना मैं बड़े मज़े से एक एक चीज़ को सही तरीके से मैं एक्सप्लोर करता। खैर अब हो गया सो हो गया, क्योंकि मुझे जो है ना वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मैं अभी वो वहाँ पैसे भी ज़ाया हुआ, मैं मेरे ठीक ठाक वहाँ पे इतने मैंने पूरे ट्रिप में ज़ाया नहीं हुए जितने वहाँ एक हफ़्ते में ज़ाया मेरे पैसे गए, क्योंकि जहाज़ का किराया और फिर वहाँ ऊबर और ये चीज़ें वो चीज़ें, क्योंकि वहाँ ऊबर के बगैर आप निकल ही नहीं सकते अगर आपके पास गाड़ी ना हो तो। ये जी हम आ गए, क्योंकि अंधेरा है तो अभी से जो है ना ये बिलबोर्ड्स ऑन हो गए तो इनकी रोशनी में अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ बंद करता हूँ वो देखता हूँ, फिर मैं जब सबवे में चढ़ने लगूंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। मैं हमेशा आखिरी में ही होता हूँ क्योंकि मुझे बार बार मुझे देखना पड़ता है। चले तो मैं यहाँ से बैठा था, यहाँ से ये सीधा यहाँ उतर के ये सीधा मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ तो ये देखिए कितना गुंजान है, नया बंदा तो इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो मतलब एलिवेटर्स तो है ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे हैं लेकिन फिर उसका वही हो जाता है सिस्टम के। यार अभी मैंने देखा बारिश नहीं हो रही थी, अभी फिर बारिश हो रही है अभी चंद सेकंड पहले, इसीलिए मैंने ये कैमरा ऑन किया। खैर मैं कैमरा बंद करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, फिर कहीं शेडी मतलब किसी साय की जगह में जाके ना इसको रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि ये तो मसला हो गया बड़ा, रिकॉर्डिंग नहीं होगी सही। तो जी मैं यहाँ पे आ गया, मैंने तस्वीरें किसके साथ खींची हैं लेकिन बड़ा मज़ा आया, बारिश अभी थोड़ी सी रुकी है। तो ये है आपका चार्जिंग बुल कहते हैं इसके, यहाँ पे इसके चार्जिंग इसको अगर आप छुएंगे तो आपको फाइनेंशियल आपके जो लक्ष्मी देवी है वो मेहरबान हो जाएगी आप पे, ये इसीलिए सब इस पर हाथ लगाई, तस्वीर खिंचाते मैंने भी खिंचवाई है,
ये आप देख रहे होंगे ये तस्वीर जो मैंने लगाई इस पे। तो यहाँ पे बड़ा मजा आया। अब मुझे जाना है एक और जगह, अब देखते हैं यार। अब उम्मीद है आवाज जो है ना वो सही आ रही होगी इसकी, क्योंकि मैंने अभी वीडियो चला के देखी तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आई आवाज। अब हो सकता है कि इसमें ना हो, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं आई आवाज इसकी। यहाँ पे म्यूजियम है एक, इस म्यूजियम का क्या नाम है, अमेरिकन इंडियन म्यूजियम। अब मेरा जो है ना इरादा है स्टेचू ऑफ लिबर्टी देखने का करीब से, लेकिन कल मैं जो अपने वो दोस्त से बात कर रहा था जो यहाँ लोकल है, तो वो कह रहा था नहीं उसके लिए तो आपको एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, $24-25 उसका टिकट है। यहाँ पे फ्रूट सैलेड है, राइस कॉम्बो। अच्छा यहाँ बिरयानी मिल रही है, वाओ इंडियन बिरयानी हाउस। और यहाँ लोग खा रहे हैं इंडियन बिरयानी हाउस। यार मैं खाऊं तो सही, फिर मुझे जो ना ब्लैक कॉम्बो पुलाव राइस। कैन एनी कैन, एनी कैन और बटर वाटर। हेलो हाय, ये है। मैं यार इसीलिए नहीं खा रहा कि ये ना हो कि मेरा पेट ख़राब हो जाए और फिर जो ना बड़ा यहाँ पे मसला हो जाए, इसीलिए मैं नहीं खा रहा। लेकिन यहाँ चल के देखते हैं, नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडिया। यार ड्रिजलिंग हो रही है, मैं बंद करता हूँ कैमरा को। चलें टिकट हो गया, अब थोड़ा सा करीब से देख लेंगे। यार यहाँ एक्सप्लोर करने के इतनी जगहें हैं, और मैं खामखा वहाँ गया अपना मियामी में। मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ा दुखी, क्योंकि यहाँ पे बंदा बार बार तो नहीं आएगा ना यार। फेरी में भी जो ना बैठ जाऊँगा आज, थोड़ा चलना ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन आई थिंक इट्स वर्थ इट। और 2 दिन हैं मेरे पास, कल का है और परसों तो मेरा डिपार्चर है, परसों जहाज़ पे बैठना है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट कल का दिन है मेरे पास। कल का दिन जो है मुझे, वो जो मुझे प्लेन में एक भाई मिले थे, लक्ष्मण भाई, जो कि सिंधी थे हमारे, तो उन्होंने कहा है सुबह मिलने के लिए। कहाँ है यार, चलें मैं बंद करता हूँ। फिर बारिश शुरू हो गई यार, बारिश ने मार दी आज। चलें मैं फिर जब उसमें किश्ती में चढ़ता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। चलें यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और ये जो थी ना जो आपकी एयरपोर्ट लेवल सिक्योरिटी थी भाई, सब उतरवाया उन्होंने। तो मुझे पहले पता होता तो मैं इतनी चीज़ें लेकर ही नहीं आता। खैर तो अब निकलते हैं, निकल ना जाए क्योंकि 3:30 बजे का टाइम था। देखते हैं, अंदर इतनी गर्मी थी कि पसीने आ गए, बाहर फिर सर्दी लग रही है। अच्छा तो आप अगर कभी भी यहाँ आए, तो जैसे ही आप करीब आएंगे ना तो बाहर लोग खड़े होंगे तो यार क्रूज़ के लिए, तो वो आपको एक टिकट देंगे $50-60 का। और यही क्रू अंदर से जाके, अगर जो इनका बैटरी आइलैंड अंदर से लेंगे तो वो आपको पड़ेगा तकरीबन $24-25 का। तो बाहर वो हसलिंग करके ना, तो नया बंदा हो अगर आता है ना उसे पता ही नहीं होता तो इस तरह। लेकिन वो कहते हैं हम बस में आपको ले जाएंगे और ये करेंगे, लेकिन ये कि जब सबवे हैं और ये सारी चीज़ें हैं तो बस की क्या वो है। हाँ
फैजाबाद में अंदर जा रहे हैं अब। Oh my god. सॉरी थोड़ी देर में यहाँ बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं थोड़ा साँप अट रहा हूँ, फिर मैं ज़रा ऊपर जाऊँगा घूमूंगा फिरूंगा और हो सके तो कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगा। ये आपका व्यू आ रहा है यार, ये साफ अगर नहीं हुआ ना, हाँ ये अगर स्टेचू ऑफ लिबर्टी आपको नज़र आ रहा हो, ग्लूमी ग्लूमी वेदर तो इतना ग्लूमी है कि बस कोई हद नहीं है अब, लेकिन क्या कर सकते हैं यार। ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं लिबर्टी आइलैंड। यार थोड़ा मौसम सही होता ना तो बड़ा मज़ा आता। खैर मैंने जो अच्छे दिन थे वो मियामी में, जो अच्छा मौसम थे, अच्छे मौसम थे वो मैंने मियामी में ही गुजार दिया। ये जो है ना हरा हरा है, मैं हमेशा ये समझा था कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रे कलर का है। चले जी ये मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये मैं यार इसको मैं हटाऊँ और ये मेरे पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये है यहाँ पे गलत मौसम यहाँ पे ना, अगर धूप निकली होती तो बड़ा मज़ा आता, बहुत मज़ा आता। यहाँ लंबा टाइम बिताता है। बैठने की जगह मिल जाए यार, तो मेरी हालत ना अभी ख़राब हो गई है। मेरी
तो जी अभी मैंने ये आम लिए हैं $5 के, बड़े मज़ेदार, उसने मिर्चें मिर्चें डाल दी उसने, और अभी मैं खाऊंगा और यहाँ से सब्वे पकड़ूंगा और सीधा वहाँ स्टोर जाऊंगा। अभी बारिश यहाँ रुकी हुई है। अच्छा, यहाँ से फेरी जाती है स्टेटन आइलैंड, स्टेटन आइलैंड। तो अगर मैं टाइम होता तो मैं यहाँ भी जाता स्टेटन आइलैंड। सुना है इसके बारे में कि वहाँ चीज़ें बड़ी सस्ती मिलती हैं। खैर, तो मैं इसे खाता हूँ यहाँ पे और फिर निकलता हूँ। चले, फिर मैं जब उतरता हूँ तो फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ जब ख़रीदारी करता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे बैटरी भी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं बैटरी भी चेंज कर। जैक्सन हाइट में आ गया हूँ, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मुझे दिख रही हैं। जो है ना, ये खलील बिरयानी है। रात में तो इसी से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये तो यार, ये मिनी पाकिस्तान का लुक आ रहा है, ये थ्रेडिंग मेहंदी वेहंदी। अपनी यहाँ पे ये याद, ये मसला करते हैं ना हमारे लोग आके, अपनी अपनी वो कर देते हैं। अमेरिकन बंगला यूनिसेक बावर शॉप और कॉफी गिफ्ट एंड कन्वीनियंस स्टोर, मनी ट्रांसफर। वो मनी ट्रांसफर भी है भैया से। अफ्तारी है, अफ्तारी $7 हाँ, बेच रहे हो आप या दे रहे हो? बेच रहे हो या दे रहे हो? बेच रहे हो। अच्छा, कितने की बेच रहे हो? ये $7 अच्छा, $7 इसका साथ शरबत है, पूरी भी है। नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं, क्यों दो $6 दो। नहीं नहीं, $6 नहीं, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं, अभी बाद में आता हूँ तो मैं, क्योंकि बाद में तो बंद हो जाएंगे। Thank you.
सेल भी लगी हुई है भाई। तो ये रमज़ान का वो चल रहा है, तो जब आप देख रहे होंगे तो आप पता नहीं कब देख रहे होंगे, शायद ईद भी हो गई होगी। रमज़ान 2024 यानी एक ही दुकान में सब चीज़ें खोल देते हैं ये लोग। खीर भी है तो मैंगो लस्सी भी है तो हर चीज़ है। अच्छा चाय भी है, वाह चाय तो पीनी है यार। ओह ये है वो पटेल ट्रैवल्स, यहाँ से मुझे लेना। पटेल ब्रदर्स ये तो उससे भी बड़ा है जो वहाँ जर्सी में था। चलें जब मैं फिर गोप्रो पे आ गया रिकॉर्डिंग करने, तो अब मुझे लेने हैं थोड़े से मसाले। तो बहुत बड़ा है ये फ्रोजन समोसा से नॉल। चलो मैंने ये बास्केट ले ली, अब इसमें भरता जाता हूँ। अबे मुड़ ना, आम भी हैं मेरे ख्याल से, मैक्सिकन वाले आम हैं, हमारे वाले नहीं। ये आलू पराठा चार डालो के चार। यार ये तो रिकॉर्ड ही हुए जा रहा है, मैं यहाँ पे ये पूरे भर दिए यहाँ पे। यार अब ग्रीन कार्ड में हम लेना है, जी मैंने ये भर लिया पूरा, गरम मसाला तो वो मसाला तो वो मसाला पूरा मैंने भर लिया। अब जो है ना मैं चेकआउट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से $100 का तो हो गया होगा ये। ये तो बड़ा हो गया यार, स्वेलिंग होना It is raining. Son of a bitch. Oh, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब लेके जाना ही खराब होगा। चलो मैं देखता हूँ इसको कैसे लेके जाऊँ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलें तो ये वीडियो आज की यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने मसाले ठीक ठाक ले लिए, आपको मैं दिखाता हूँ। सर तो मैं अभी यहाँ पे हमारे एक बांग्लादेश के भाई हैं, उनकी दुकान है, तो उसमें मैं कोका कोला डाइट कोका कोला ली और मैंने पीने के बाद मैंने कहा थोड़ा साँ पट लूँ। साँ पटने के बाद अभी जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता करके निकलूँगा, देखते हैं कहाँ पहुँचता हूँ और उम्मीद है कि पहुँच ही जाऊँगा, नहीं तो कहीं गिर के कहीं मर ही जाऊँगा, तो मेरा जनाजा जो है ना यहाँ पे उठेगा मसालों के चक्कर में। चले तो इसके साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में।